हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँ, ये एक ऐसे तीन क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ऐसे तीन क्वालिटी शेयर्स हैं। तो अगर आप इन तीन शेयर्स पे एक एक हज़ार भी लगा दोगे और एक एक हज़ार से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस ये है कि आप अपने बचे हुए बचाए हुए या कहीं पे थोड़ा सा कम खर्चा करके इन तीन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये तीन शेयर्स इतने बढ़िया शेयर्स हैं, और अगर आप इनका पिछला 5 साल 4 साल सेल्स की फिगर सब कुछ देखोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे, हाँ भाई ये क्वालिटी स्टॉक्स है। अगर बार्गेन में मिलते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है और इन पर आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। मतलब कि 1,000 लगाओगे, 1, 2, 3 साल में यही देखिए आपका डबल ट्रिपल 4 गुना तक भी हो सकता है। आपका 1,000 में कुछ नहीं जाएगा, तीन शेयर्स लगा के आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3,000 रुपये। छोटा छोटा इन्वेस्ट करोगे बेहतरीन स्टॉक्स पे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम पे। चलिए बात करते हैं इन तीन स्टॉक्स के, कौन से हैं ये तीन स्टॉक जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो मात्र 1,000 रुपये। तीन क्वालिटी स्टॉक है, एक ही सेक्टर के तीनों स्टॉक है, मतलब ये है कि एक ही सेक्टर के तीनों स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से, चलिए देखते हैं उसको। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए इन तीनों स्टॉक्स में सबसे पहले है हमारे पास एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, बहुत सारी ऐड आती है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड प्लास्टिक का, पाइप्स का, इस तरीके से इन सेगमेंट्स में काम करता है और एक टॉप का स्टॉक है। 1,085 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। आप देखिए 52 वीक लो जो था वो 731 था और 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 1200 था, मतलब अभी भी ये अपने प्राइस से 100 रुपये हाईएस्ट प्राइस से 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक में दम है, जान है, आप ये देखिए। चलिए अगर मैं आपको स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाऊं, देखिए तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक मिड कैप स्टॉक जरूर दिख रहा है आपको, अर्निंग पर शेयर 16 रुपये का, पी रेशियो 67 का, बुक वैल्यू 86 की, प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो वो 12.61 का, एस्ट्रल पॉली फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। इसका ग्राफ देखिए आप और आप समझिए आपकी कितना बढ़िया ग्रोथ स्टॉक है। अभी जब गिरावट आई थी ये स्टॉक तो देखिए इस लेवल तक मिलने लगे थे, मतलब 850 के लेवल तक मिलने लगे थे, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे इसको कब्जा करने की। आने वाले टाइम पे कुछ वल्नरेबिलिटी और आएगी तो और मौका मिल सकता है। आप इस स्टॉक को देखिए और एनालाइज कीजिए कितना ज़बरदस्त तरीके, ये पिछले 5 साल का ग्राफ है। अगर आप इसको देखोगे कि इस स्टॉक ने देखिए 100-130 रुपये से जाके 1300 तक गया है, तो 130 से 1300 तक 5 साल में मतलब 10 गुना रिटर्न, मतलब है दम इस स्टॉक में, आप खुद देखिए। अगर हम जानते हैं इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करते हैं तो देखिए एस्ट्रल का अगर मैं सर्च करूँ, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक देखिए, तो आप समझो कि हाँ भाई इस स्टॉक में बात है। देखिए एस्ट्रल पॉलीटेक्निक अभी जो ट्रेंड लाइन इसकी चल रही थी, जो ट्रेंड लाइन नॉर्मली जो बेस ट्रेंड लाइन है वो तो ये है जो अप ट्रेंड शो कर रही है, जिसके अराउंड इसका प्राइसिंग जो दिख रहा है 570-580 के अराउंड दिख रहा है। लेकिन जो अभी फास्ट ट्रेंड लाइन थी वो इसने इसको तोड़ा था, नीचे गिरा था यहाँ से, मतलब 950-1000 रुपये की ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, उससे जब नीचे गिरा था तो इसने एक नया ट्रेंड क्रिएट किया, थोड़ा सा और नीचे डाउन आया, ये 800 के रेंज में आके यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी इसको लपकने की इस रेंज में। और उसके बाद इसने वापस जब रिकवरी करी तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और फिर वापस बिल्कुल मतलब कि एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था मुझे पहले भी ये इस रेंज में, देखिए मतलब 850 के रेंज में ये पुराना रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम कर रहा था, वहीं से इसने जो है बाउंस बैक किया। तो आप देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काम आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं हर स्टॉक के और उसके बेसिस पे कौन सा वाला जो है सपोर्ट काम है, क्योंकि ये मार्केट्स जो है सेंटीमेंट्स का काम है। लोग सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा होगा उसके ऊपर, क्या ये सपोर्ट है, तो सब लोगों को दिख रहा होता है कि ये सपोर्ट है, तो वहाँ से बाइंग देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंग है, टॉप का स्टॉक जरूर है, देखिए बाइंग बहुत बेहतरीन। चलिए अब अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक हमारा एस्ट्रल पॉली के बाद आता है इस सेक्टर का सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी प्लास्टिक्स इंडस्ट्री का टॉप का स्टॉक है। आप देखिए और नाम सुनिए और हिस्ट्री देखिए कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने कितने गुना रिटर्न्स दिए हैं अब तक, मतलब कि अल्टीमेट रिटर्न्स दिए हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। 989 का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, अभी ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, 1500 रुपये का स्टॉक मिल रहा है 1000 रुपये से नीचे में, ये मान के चलिए आप अल्टीमेट स्टॉक। आप ये देखिए कि इस स्टॉक में अभी जो डिस्काउंट चल रहा है 30-40% का, सेल ऑन दिस स्टॉक सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टॉप का स्टॉक तो है ही है, 945 का 52 वीक लो और 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ के अराउंड है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। मार्केट कैपिटलाइजेशन वही सेम जो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का था उसी का ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, 12,500 करोड़ के आसपास इसका भी है। अर्निंग पर शेयर एस्ट्रल से ज़्यादा है, 41 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, पी रेशियो 23 का है, बुक वैल्यू देखिए 149 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 6.63 का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। अब आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के ग्राफ देखिए
और आप ये पिछले 5 साल का ग्राफ है, और आप समझिए देखिए कि ये स्टॉक देखिए 300-400 रुपये का था और 1500 के अराउंड तक गया है और वहाँ से नीचे गिरा है। तो आप ये देखिए कि इस स्टॉक ने भी आपके पैसे को ऑलमोस्ट 3 गुना किया है। अभी ये गिरावट देखिए, जो गिरावट आई अभी ये जनवरी 2018 के बाद जो गिरावट आई, पिछले 1 साल में ये नीचे गया है और ये आपको मिल रहा है सस्ते में, हाफ रेट में। और ये जो जहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टेक्निकल ग्राफ पे, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सुप्रीम इंडस्ट्रीज। देखिए अगर हम देखें तो मुझे जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा, ये देखिए और समझिए इसको। ये देखिए ये जो जोन है, मतलब कि ये जो जोन है ये यहाँ पे, ये जो जो जोन है ये जो इस जोन पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन चलने लग गई है। तो आप ये देखिए मुझे तो ऐसा दिख रहा है इस कंसोलिडेशन के बाद इसमें आएगा ब्रेकआउट, और यही जो है ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन चल रही है। तो यहाँ पे ये बहुत क्षमता रखता है, एक बिल्कुल पोटेंशियल रखता है कि वापस 1500, मतलब बहुत इमीडिएट रिटर्न में आपको ये 2-4 महीने के अंदर जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तो 1500 के लेवल्स पे बहुत जल्दी जा पहुंचेगा। और ये 1500 का लेवल और आने वाला जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है वो 1200-1300 है, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग पोटेंशियल दिख रहा है मुझे इस स्टॉक में, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। आप देखिए, खुद देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, लेकिन इस बात को नकारा मत कीजिए कि भाई स्टॉक मार्केट है उसमें और गिरावट आ सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता भाई किस धर को जाएगा क्या जाएगा। ये बस टेक्निकली एनालाइज करके बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है सपोर्ट दिख रहा है, ये एक पुरानी ट्रेंड लाइन है, लेकिन एक और ट्रेंड लाइन है जो इससे और पुरानी है, तो वो बता रही है कि 900-950 की रेंज में भी आ सकता है ये, मतलब 850-900 की रेंज में भी आ सकता है। अगर इस रेंज में आता है ये स्टॉक तब तो भैया आप इसको भर सकते हो, मतलब अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन के अराउंड। लेकिन अगर आपको ये 850 रुपये के पर पीस के हिसाब से मिलने लग जाए ना तो आप भर सकते हो। ये देखिए, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। वो स्टॉक तो आप जानते होंगे, राकेश झुनझुनवाला जी का भी बेहतरीन स्टॉक है और ख़ुद अपने आप में बहुत बेहतरीन कर रहा है, कोई और नहीं, वो है VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड। VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगेज इंडस्ट्री में टॉप का स्टॉक है। इंडिया में जो है एयरलाइन इंडस्ट्री बढ़ रही है, एयरलाइन नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ रहे हैं, मतलब अगर प्रॉफिट के मामले में देखोगे तो एयरलाइन इंडस्ट्री डाउन पे ही दिखेगी आपको ज़्यादातर एयरलाइंस। लेकिन अगर आप देखोगे लगेज इंडस्ट्री, एयरलाइन के नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स पे जो कि लगेज बनाता है बहुत बढ़िया तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 524 रुपीज़ का प्राइस इसका चल रहा है, बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिला। आप खुद देखिए 8% का जंप है 27 नवंबर का, और ये देखिए 287 का लो है और 645 का हाई है इस स्टॉक में। तो आप देखिए VIP इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो किस लेवल की इसकी प्राइसिंग है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन एक छोटा, मतलब 7,000-7,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12 रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर है 46 की पी रेशियो है, और अगर आप देखते हो प्राइस टू बुक वैल्यू 15 के अराउंड है, 34 की बुक वैल्यू है एंड फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के। तो इस स्टॉक को देखिए और समझिए। VIP इंडस्ट्रीज अगर आप ग्राफ देखते हो तो देखिए कि किस लेवल पे, मतलब 60-65 रुपये से 600 के लेवल तक गया है। 5 साल में 10 गुना इसने भी पैसे को दिया, डिविडेंड भी देता है टाइम टू टाइम, आप खुद देखिए। और यकीन मानिए ये 3 स्टॉक ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक हैं जो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम पर। अगर मैं ले चलता हूँ आपको VIP इंडस्ट्रीज़ के टेक्निकल ग्राफ पे, तो आप समझो कि हाँ भाई ये स्टॉक है बहुत बढ़िया। देखिए टेक्निकल ग्राफ देखिए इस स्टॉक का, अगर आप कहें अभी जब ये गिरावट आई थी तो अपने ये पुराने रेजिस्टेंस लेवल पे आया था, मतलब 380 के लेवल पे, बहुत बढ़िया बेहतरीन बाई था जिसने यहाँ पर इसको भरा होगा, अल्टीमेट बाई। अभी भी आने वाले टाइम पे मैं ये कहूँगा जब भी आपको ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिले ना, मतलब कि 400-450 के लेवल पे भी आपको VIP इंडस्ट्रीज अगर मिलता है तो आप इसको कब्जा कर लीजिए, भर लीजिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक है, अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम पे। क्योंकि फ्यूचर को देखो कि आगे आने वाली इंडस्ट्रीज क्या हैं, क्या काम है, नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ते रहेंगे, VIP के जो ब्रांड्स हैं अल्टीमेट ब्रांड्स है, कितने ब्रांड्स हैं इसके लगेज के, एरिस्टो, क्रैंडल, डॉल, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो ये 3 स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किए, देखिए आप खुद देखिए इन 3 स्टॉकों को। सबसे पहला था एस्ट्रल पॉली टेक्निक, दूसरा था सुप्रीम इंडस्ट्रीज, तीसरा है VIP। अगर मैं इस सेक्टर की तरफ आपको ले जाऊँ तो प्लास्टिक का सेक्टर देखिए, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक सबसे बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट में, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, VIP इंडस्ट्रीज, फिर छोटे छोटे जैसे जैन इरिगेशन, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, नीलकमल, मयूर यूनिकोटर, सफारी इंडस्ट्रीज, सिंटेक्स प्लास्टिक और किंगफा साइंस, विम प्लास्ट, मोल्टेक पैक, मल्टीबेस इंडिया, प्लास्टिक बैंड्स, अपोलो पाइप्स, कॉस्मो फिल्म्स, एक्रिसिल इंडिया, कल्पना इंडस्ट्रीज, किसान मोल्डिंग, EPC इंडस्ट्रीज, हाईटेक कॉर्प,
कीर्ति इंडस्ट्रीज, कैप्टन पॉली, टीपीएसएल, देखिए बहुत सारे, मतलब इस सेगमेंट में इतनी कंपनीज हैं भर भर के, लेकिन ये तीन टॉप के, इनका कोई मतलब सबसे टॉप थ्री स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको, आप देखिए और खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, देखिए कैसे स्टॉक्स हैं ये, क्या इनकी कंडीशंस हैं, कैसे डेट है, कितना सेल्स हुई है, सब देखिए और समझिए, फिर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।